इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। पुलवामा में आत्मघाती हमले में शहीद वीरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को खटीमा में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्डा ने पार्थिव शरीर को कंधा दिया। शहीद वीरेंद्र को काठ गोदाम सीआरपीएफ से 35 जवानों की बटालियन अंतिम सलामी देने पहुंची। पूरे सैन्य सम्मान के साथ निकली वीरेंद्र की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। शहीद वीरेंद्र सिंह के 2.5 वर्षीय पुत्र ने मुखाग्नि दी। जो भी इंसिडेंट हुआ उसमें हमारे सीआरपीएफ के 3-4 बटालियनों के जवान शहीद हुए हैं। ये पूरे देश के लिए एक दुखद इंसिडेंट है और जिसका आगे कार्रवाई करेंगे। वीरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर के घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। वीरेंद्र के पिता दीवान सिंह और पत्नी रेणु बेसुध हो गई। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हजारों की भीड़ शहीद वीरेंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंची। इस दौरान वीरेंद्र जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे। भारत माता की, भारत माता की। हम सबके लिए बहुत ही कठिन समय है और दुख की घड़ी भी है। हमने सभी शहीदों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं उनका। जैसा मैंने कहा कि सरकार कुछ तक सक्षम भी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश से कहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, उसका खामियाजा दुश्मनों को भुगतना होगा। तो निश्चित रूप से सरकार समर्थ भी है और सक्षम भी है। हमारी सेनाएँ भी बिल्कुल सक्षम हैं और जवाब मिलना चाहिए और निश्चित रूप से जवाब मिलेगा। वीरेंद्र सिंह अपने पीछे 2 बच्चे, 1 बेटी और बेटा छोड़ गए हैं। खटीमा के मोहम्मदपुर भुड़िया निवासी वीरेंद्र सिंह चौहान के 5 बेटों और बेटियों में सबसे छोटे थे। उनकी माता सावित्री देवी का 7 साल पहले निधन हो चुका है। बड़े भाई जयराम सिंह साल 2017 में बीएसएफ से रिटायर हुए हैं, जबकि मझले भाई राजेंद्र सिंह खेती करते हैं। पिता दीवान सिंह वीरेंद्र के परिवार के साथ ही रहते थे। वीरेंद्र सिंह की शहादत पर देश को गर्व है। उनका ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारतीय सेना वीरेंद्र के खून के एक एक बूंदों का बदला पाकिस्तान से लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MI न्यूज। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।